हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब सब कैसे हो? आशा करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं तो अच्छी हूँ, ठीक हूँ। थोड़ा बहुत परेशानी है जो तुम्हें बता नहीं सकती, पर ठीक ही हूँ। तो आज मैं अभी एक जगह जाने वाली हूँ, तो उस जगह पे जाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अभी रेडी हो जाऊँगी, थोड़ा बहुत रेडी तो ऑलरेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा बहुत होना बाकी है। तो रेडी होके मैं आप सब लोगों से बात करती हूँ और दिखाती हूँ, अगर टाइम रहे तो मैं आज आपको एक अच्छा जगह पे लेके जाऊँगी। ये बहुत ही एक अच्छा जगह है। तो चलो, एक मंदिर टाइप का जगह है जो कि बहुत सालों पुराना है और बहुत ही फेमस है मेरे इधर की। तो मुझे डॉक्टर दिखाने भी जाना है, तो डॉक्टर दिखा के अगर टाइम मिले तो हम उस जगह पर घूम के आएंगे और आप सब लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और आप लोग भी देखते रहो। आशा करता हूँ लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा वो जगह, अगर दिखा पाऊ तो चलो रेडी हो जाते हैं। तो चलो देखते रहो। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ वो मंदिर पे। वो ये कम से कम 300 साल पुराना मंदिर है। ये कोई मंदिर नहीं है, मतलब इधर ही बहुत सारा पेड़ पौधा है जिसको ही भगवान मानते हैं। इसको उलाई चोंडी कहते हैं। तो आप लोगों से शेयर करती हूँ इसके ऊपर। ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि छत है, ऐसा कुछ है। ये ओपनली एक मंदिर है। इसका सिस्टम ही ऐसा है कि ये ओपन ही रहेगा फुल लाइफ तक, जितना दिन ये रहेगा। तो चलो आप सबको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। यही इधर का खासियत है। इधर ये बहुत आंटियां बैठी हुई है। ये है, ये है वो मंदिर जो कि ओपन ही रहता है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ है। सो गाइज, ये जो पेड़ है इसका जो जड़ है, ये जड़ पे आप देख सकते हो बहुत लोगों ने मन्नत मांग के रखा है, और इधर मन्नत मांगने से वो पूरा भी हो जाता है।
बहुत ही पुराना मंदिर है, मैं बचपन पे आया करती थी। एक टाइम होता है उस टाइम पे इधर एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है, तो कोरोना के चलते वो मेला हो नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, कुछ इस तरीका का है। बहुत ही अच्छा जगह है, अच्छा नज़ारा है, सबको बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है, हम लोग बचपन में बहुत आया करते थे इधर। यह है इधर से आने वाला जगह, आप लोग जो रास्ता देख रहे हो इधर से पूरा मेला स्टार्ट होता है। ये जो पूरा जगह है, पूरा जगह पे मेला होता है, बस कोरोना के चलते अब ये बंद हो गया है। कितना बड़ा पेड़ है, एक एक गाइस आप देख सकते हो। ये जो पेड़ आप देख रहे हो गाइस, इसमें सब लोग मन्नत मांगते हैं। इसमें एक पत्थर जैसा कुछ बांध के रख देते हैं मन्नत मांग के, जब इसका मन्नत पूरा हो जाता है तब ये पत्थर को आके खोल देते हैं। और ये जो है इधर थोड़ा सा पूजा वगैरह होता है, मंगलवार शनिवार पंडित आके पूजा करते हैं, हम लोगों ने पता कर लिए। सो यही है इधर का नज़ारा। मैंने मंदिर घूम लिया, अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर दिखाने के लिए। डॉक्टर दिखा के फिर घर जाएंगे, और डॉक्टर दिखा के फिर घर जाएंगे, फिर वॉक को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था इसलिए आने में भी लेट हो गया बहुत ज़्यादा। सो गाइस आज मैंने अभी ये दो पेड़ खरीद के लाया रूम के लिए, मतलब बैल्कनी में भी रख सकती हूँ, इधर भी रख सकती हूँ, और पता नहीं कहाँ पे रखूँगी, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। कमेंट में बताना कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। और मुझे गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। आप लोग भी घर में अपने रूम को डेकोर करने के लिए ये पौधा खरीद सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। इसके ऊपर अगर आप फेरी लाइट भी लगाओगे और नाइट में, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए मैं इसको ख़रीदी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये पेड़ इसलिए। और अभी मेरा मम्मी मेरे लिए बनाया है एक पकोड़ा, वो है ताल का पकोड़ा, मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और एक पेठा जिसको बंगाली में बोलते हैं पीठा, तो वो ज़्यादातर हम ठंडी में बनाते हैं, पर मेरा मम्मी मेरे लिए अभी बनाया है, हर बार बनाता है जब भी मैं घर आती हूँ,
तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाया है मेरे लिए, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलो देखते हैं, उसको मैं खाऊँगी भी अभी। चलो, ये है हमारा पकोड़ा और पीठा। ये है ताल का पकोड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनता है। इसमें ताल, नारियल, चीनी ये सब मिला के बनाया जाता है। और ये है पीठा, इसको चावल का जो आटा होता है उससे बनाया जाता है। इसके अंदर कुछ स्वीट्स भर के फिर इसको बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। दोनों आइटम ही बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। बंगाल का ये खासियत है, आप लोग भी घर में बना के देख सकते हो। अगर इस चीज़ का रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आपको बता नहीं सकते कितना ज़्यादा। आप ऐसे ही बैठे रहोगे आपको पसीना आ जाएगा, पर अच्छा लग रहा है, घर तो घर ही होता है। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो मिठाई भरा हुआ है। तो गाइज अभी मैं इसे फिनिश करूँगी, फिनिश करने के बाद मैं सोने जाऊँगी क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया आके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रही है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो लेके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।